सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कई सारे लोगों के, हमारे साथियों के मन में ये होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी में ऐसी क्या खास बात है जो आम आदमी पार्टी के लोगों को बार बार अरेस्ट किया जा रहा है, इन्हीं को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, इनमें क्या खास मिला? देखो गड़बड़ ये नहीं है कि सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करना था, मनीष सिसोदिया को करना था, संजय सिंह को करना, ना वो तो सब सीढ़ियां थी, करना तो अरविंद केजरीवाल को था कि भाई पहले सत्येंद्र जैन को कर लेते हैं, फिर मनीष सिसोदिया कर लेते हैं, फिर संजय सिंह को कर लेते हैं, ये सब टूट टाट जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाल देंगे, काम खत्म, खेल खत्म। पर पता नहीं था कि सीढ़ियां कमजोर नहीं है, टूटने वाली नहीं है। और ये स्टार्ट कहां से हुआ, इसके दो कारण थे। आपको पता होगा एक बहुत बड़े नेता हैं जी, 2014 में उन्होंने देश के अंदर सेंटर का इलेक्शन लड़ा, जीत गए। उसके बाद उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अश्वमेघ यज्ञ पता है ना कि भाई जिधर भी जाएगा उन्हीं का राज होगा। हर राज्य जीत रहे थे, जीते जा रहे थे। भाई साहब वो घोड़ा दिल्ली भी आ गया, अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़ लिया और 70 में से 67 कहते हैं ये बेड़ा गर्क हो गया। वो खुंदक है असली, कहते भाई ऐसी की तैसी कर दी कि अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा था ऐसा पकड़ा, वरना अब तक तो इस देश के अंदर उनका एक छत्र राज्य होता। देखो दूसरा कारण एक और बताता हूं मैं आपको, इस देश में बहुत सारी पार्टियां बनी, बनती रही, आती रही, जाती रही। एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बनाई, जिस पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद था, जनता के लिए काम करना, अपने लिए नहीं, ये ध्यान रखना। अपना छोड़ के आए थे, अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए नहीं आए। अगर कैरियर बढ़ाना होता तो IRS अफसर थे, वहीं पे बना लेते ना, और बड़े अफसर बन जाते। पैसा कमाना होता तो खूब पैसा मिलता, रिश्वत ले लेते, बहुत पैसा मिलता। अपने साथियों को सबको कहा भाई सब छोड़ छाड़ के आ जाओ। मुझे भी याद है, मुझसे भी कहा था, तब तो यही कहा था एक साल के लिए छोड़ के आ जाओ, मुझे क्या पता था वो एक साल इतना लंबा होगा। तो सब कुछ छोड़ के आ गए। तो दरअसल बात क्या थी, नेताओं को क्या लगने लगा कि अगर ऐसे लोग राजनीति में आ गए जो कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ छोड़ के इस समाज को, इस देश को ठीक करने के लिए आ रहे हैं, तो इन नेताओं की दुकानदारी में दिक्कत आ जाएगी। आप सब जानते हैं जनता की नजरों में अगर पूछो कि भाई साहब पॉलिटिक्स की इज्जत क्या है, कहते ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है, कहते खराब है ना इसका मतलब। नेताओं की इज्जत क्या है, कहते भाई साहब ये तो नेता है, इसकी बात में कोई इज्जत नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि किसी भी तरीके से इस पार्टी को डराया जाए लोगों को कि भाई साहब केजरीवाल जी के साथ मत जुड़ जाना, गड़बड़ है, तुम्हें सबको अंदर कर देंगे। मुझे अंदर करने से, मनीष जी को अंदर करने से, संजय सिंह को अंदर करने से उनको कोई खास फायदा होने वाला नहीं था। फायदा होता अरविंद केजरीवाल जी को अंदर करने से और अंदर रखने से, या आप सबको डराने से। आप सबको पता होगा मेरी सर्जरी हुई थी, मैं अस्पताल में था, हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स खड़े थे मेरे साथ, कहने लगे जैन साहब हम आपको सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, समझ नहीं आया आपको क्यों अरेस्ट कर लिया, कोई कारण समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा देखो आप इतने बड़े डॉक्टर हो सारे के सारे, मुझे अच्छी तरह जानते हो, कहते हाँ जी जानते हैं। मैंने मन में इच्छा तो हुई होगी ना कि हम भी इलेक्शन लड़ लें, कहते हाँ जी। आपको भी लगता होगा सत्येंद्र जैन मंत्री बन के हम नहीं बन सकते, कहते हाँ मन में इच्छा तो होती थी। मैंने अब लड़ोगे इलेक्शन, मैंने केजरीवाल जी से कहता हूं सबको टिकट दिलवाऊंगा, कहते नहीं जी हाथ जोड़ रहे हैं अब नहीं लड़ेंगे। तो देश के अंदर उन्हें ऐसा माहौल पैदा हो गया, शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी अगर इलेक्शन में आ गया, अगर पॉलिटिक्स में आ गया, तो उसको डराने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वो कहते हैं अच्छे लोग ना हो ताकि वो बदमाशों का, लुच्चों का, लफंगों का मैदान खाली रह जाए। जिस दिन 21 जुलाई 2013 को मुझे टिकट मिला था, मेरे फादर का सबसे पहले एक ही डायलॉग था बस, कहते शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ते हैं, ये तो लुच्चे लोग लड़ते हैं। तो
लुच्चों का मैदान खाली रहे। इसके लिए आम आदमी पार्टी को डराना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। मैं इनको बता दूं कि इनसे जो बने वो कर लें, ये पीछे हटने वाले नहीं है। क्या कर रहे थे हम लोग? मरीज स्कूल बना रहे थे, अरेस्ट कर लिया। मुझे मोहल्ला क्लिनिक, अरे भाई हम बना रहे थे तो आप बना लो ना, मौका तुम्हें मना किसने किया है, कॉपी कर लो पूरे देश में कर लो, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। दिल्ली शहर के अंदर 18,000 हॉस्पिटल्स में बेड बन रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा एक्सपेंशन कहीं नहीं चल रहा था। कहते भाई हम पूरे देश में तो बना नहीं सकते, हम तो कॉपी कर नहीं सकते, इनको अरेस्ट कर लो, रुकवा सकते हैं कामों में, अड़ंग अड़ा सकते हैं। दौड़ लगा रहे हो, हमसे तेज नहीं दौड़ेंगे, लड़ंगी मारेंगे, बताओ। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि भाई साहब यमुना नदी को साफ कर देंगे, कहा था ना, और यमुना नदी में डुबकी लगा के दिखाएंगे। उसके काम पे लग गए हम लोग, 24 घंटे काम पे लग गए। कहते इनको सबको अरेस्ट कर लो, फिर करके दिखाओ। अरे कोई बात नहीं, आपने अरेस्ट कर लिया ना, अब भी साफ करके दिखाएंगे, अब भी साफ करके दिखाएंगे आपको, करके दिखाएंगे कैसे होता है। हमारे कार्यकर्ताओं का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जेल का एक। अभी इधर राजौरिया जी खड़े हैं, मुझे देख के उनको याद आ गया, जब मैं जेल में था ये मुझे मिल गए वहां पे। इनको जेल से बाहर जाने का टाइम हो चुका था, थोड़ा सा फाइन जमा कराना था। कहते जी मैं जमा नहीं कराऊंगा। मैंने क्यों? कहते भाई साहब जब तक आप जेल से बाहर नहीं जाओगे मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बोला ये जज्बा है हमारे कार्यकर्ता का। कारण क्या था कि मुझे वहां पे कोई मेरे से बात नहीं करता था, उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी कि कोई बात नहीं करेगा जी इनसे, पर इन्होंने हिम्मत रखे थे कि मैं बात करूंगा, मुझे क्या कर लेंगे, मैं देखूंगा कुछ भी हो जाए। तो सर इस तरह का जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर है। अब मैं आपको अरविंद केजरीवाल मॉडल की एक दो छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिससे बहुत परेशान है। इलेक्ट्रिसिटी मॉडल, बिजली का मॉडल जो है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बिजली फ्री कर दी। कहते तो पैसा लुटा रहे, अच्छा जी बिल्कुल सही बात है। दिल्ली सरकार अपने बजट का 4% यानी 100 रुपए में से 4 रुपए बिजली पे खर्च करती है बस, और देश की बाकी जितनी भी सरकारें, कोई भी सरकार 10% से कम नहीं खर्च करती, 10 से 15% सारी खर्च करती है। पूरे देश में हर सरकार 10 से 15% पैसा खर्च करती है, हम सबसे कम करते हैं बजट का सिर्फ 4%। हम क्या करते हैं जी? केजरीवाल जी की सरकार करती है 4% पैसे से लोगों की बिजली मुफ्त, जनता को डायरेक्ट पैसा देते हैं, उनका बिजली का बिल मुफ्त। 600 रुपए का बिल आया, 0 हो गया। 1,000 का आया, 0 हो गया। 400 यूनिट का बिल मान लो 1,400 है, 700 रुपए हो गया। जिसका बिल 800 रुपए का था, 0 हो गया, उसमें से क्या थोड़ी सी रिश्वत अरविंद केजरीवाल जी को देने जाएगा? दे सकता है? पॉसिबल है? नहीं ना। दूसरा मॉडल, दिल्ली सरकार 4% खर्च करती है, वो 12% 15% खर्च कर रहे हैं, और पैसा करते क्या इस पैसे का? ठेकेदार को देते हैं घाटे में, ठेकेदार को देते 5,000 करोड़ रुपया, ठेकेदार को देते 10,000 करोड़ रुपया। अगर एक नेता किसी ठेकेदार को घाटे के रूप में 10,000 करोड़ रुपए देगा तो उसमें से कुछ लेगा या नहीं लेगा? कितना लेगा जरा बताओ। अरे 10,000 करोड़ देगा तो कम से 2,000 करोड़ तो लेगा, लेगा नहीं लेगा? तो अरविंद केजरीवाल का मॉडल सही है कि वो वाला मॉडल सही है? तो अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल बनाया कि भाई साहब जनता का पैसा जनता को दो, जनता की बिजली फ्री कर दो, और जनता का जेब में जनता का पैसा रहेगा। इनको दूसरा डर किस बात से लगता है? अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार नहीं कई बार असेंबली में बोला है, इस देश का कोई नेता बोलता नहीं है, उन्होंने बताया कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है। अब गरीब और गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास के लोग मिडिल क्लास से हटके गरीबी में जा रहे हैं, और कुछ लोग 2, 4, 6 लोग हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। आज मैं आने के बाद वीडियो देख रहा था, पहली वीडियो देखी मैंने,
पुण्य प्रसून वाजपेयी की वीडियो यूट्यूब के ऊपर है भाई साहब, उसमें लिखा है 2014 से लेके 24 के बीच में महंगाई कितनी बढ़ी, बस उसके ऊपर था सारा। कहते ज्यादातर चीजों की महंगाई, ये सब्जियों के अंदर 3.25 गुना, खाने की चीजों में 3 गुना, ज्यादातर घर की जितनी भी काम मतलब जरूरत की चीजें सबके खर्चे 3 गुना हो गए, एवरेज 3 गुना। यानी जिसका खर्चा 10,000 रुपया था तो उसका खर्चा तो हो गया 30,000 रुपया। अब अपने आप अपने दिल पे हाथ रख के सोच लेना कि भाई साहब 10 साल में कमाई कितनी बढ़ी। अगर आपकी कमाई 30,000 रुपए से 90,000 हुए तो मतलब 30,000 रुपए ही हो आप, एक पैसा नहीं बढ़ा, एक रुपया नहीं बढ़ा आपका। जो भी बड़ा सारा उसका बढ़ा, जो बड़े बड़े नेता इनके दोस्त बैठे हैं, सारा का सारा पैसा जनता की जेबों से निकाल के कुछ चंद लोगों की जेब में लेके जा रहे हैं, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं और यही बात जनता को समझा रहे हैं, इसके लिए उनको सबसे ज्यादा दर्द है। एक छोटी सी बात और बताऊंगा मैं आपको, हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय एक आदमी की इनकम कितनी होती है, वो है 2,30,000 रुपए महीना। कितनी है? 2,30,000 रुपए महीना। अगर सालाना सालाना सर जी, अगर घर में पति पत्नी दो बच्चे और माता पिता है तो 6 जने हो गए, साल के कितने बने? 12,13,00,000, हम मान लेते 12,00,000। तो एक परिवार की एवरेज इनकम 1,00,000 रुपए महीना बनते देश में। 1,00,000 में से भाई साहब 50,000 रुपए आप अपने दोस्तों में दे दो, बड़े बड़े लोगों को दे दो, तो 50,000 तो मिलने चाहिए। मिलते किसने है? सोच लो अपने दिल पे हाथ लगा के। अरे भाई 75,000 अपने दोस्तों में दे दो, 25,000 तो सबसे गरीब को मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? सिर्फ ये चल रहा है जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल आवाज उठा रहे हैं और इसकी वजह से उनके ऊपर सबसे बड़ा वार हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं और ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम सभी जितने भी साथी हैं पीछे नहीं हटेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।